हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो देखने में कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये ऐसे ही रहती हैं? नहीं रहती। पतझड़ का मौसम तो आता ही है, वो ज़रूरी भी बहुत है। जब पतझड़ नहीं होगा तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे? वही रूखे सूखे बेजान पत्ते अगर पेड़ पर रहेंगे तो वो उतनी खूबसूरती नहीं रहेगी। बिल्कुल यही हाल होता है हमारे शरीर का। उसी तरह जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपकी जो त्वचा है वो मुरझाने लगती है, उस पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो इस बारे में हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके जरिए आप अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है उनके साथ साथ झुर्रियाँ झाइयाँ सबसे बच सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचते होंगे आप स्किन केयर तो अच्छे से करते हैं, फिर आपको स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है? दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। देखिए, ये हमारी स्किन है, हमारी स्किन में कई लेयर्स होती हैं और पिगमेंटेशन जो है वो आपकी स्किन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। हमारी स्किन पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, एकदम ग्लोइंग थी, है ना? और जब हमारी स्किन में अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा बनने लग गया, चाहे वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो जैसे ऊपर की जो स्किन है वो निकल गई और जो अंदर की स्किन आई उस पर पिगमेंटेशन था। अब जो वो पिगमेंटेशन है वो स्किन बार बार निकल रही है और अंदर की स्किन बार बार बाहर आ रही है, क्योंकि पिगमेंटेशन है तो वो नहीं जाएगा। अगर आप पीलिंग भी करवाते हैं तो पीलिंग से आपको उतने ही टाइम तक फ़ायदा होता है जितने टाइम तक आपकी जो नई स्किन आई है वो हेल्दी रहती है। जब नीचे की स्किन दोबारा से ऊपर आएगी तो फिर से पिगमेंटेशन हो जाती है। बहुत सारी कमेंट्स दोस्तों मेरे पास ये भी आती है, हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए, लेजर तक करवाया, कई सीटिंग्स ली हैं और पीलिंग करवाई है, लेकिन हमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी जो पिगमेंटेशन है वो नहीं गई। उसका कारण यही है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। मैं नहीं कहती आपको ज़रूरत है किसी इलाज की और ना ही ज़रूरत है आपको किसी डॉक्टर की। आप अपने लिए डॉक्टर खुद बन सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको अपने आप को समझने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप कितनी भी इलाज करवा लीजिए, आपकी जो झाइयाँ हैं वो नहीं जाएंगी। झाइयों की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कॉमेंट इसी को लेकर के आते हैं। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जब तक वो बनना कम नहीं होंगे तब तक झाइयाँ नहीं जा सकती। और इनको बनना कम करने के लिए जो एकमात्र तरीका होता है वो होता है विटामिन सी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो अपनी डाइट है उसमें से जंक फूड को बंद करके आप ब्राइट कलर के फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं जिनमें विटामिन सी हो। जब तक आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं जाएगी आपकी डाइट में, आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा। डाइट और स्किन केयर दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी पिगमेंटेशन के लिए, स्किन केयर के लिए। अगर 60% डाइट ज़रूरी है तो 40% स्किन केयर भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आप विटामिन सी को खाएं और विटामिन सी को आप लगाएं। अगर आप खाएंगे तो वो अंदर से आपकी स्किन को हील करेगी, मेलानिन को बनना बंद करेगी। जब अंदर से बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उसी तरीके से जो हमारी बाहरी स्किन पर पिगमेंटेशन दिख रही है उसे हम बाहर से कम कर सकते हैं, वो अंदर से कम नहीं होगी। इसीलिए आप विटामिन सी अपनी स्किन पर लगाएं भी, जिससे जो बाहरी पिगमेंटेशन है वो भी ख़त्म हो। ये एकमात्र तरीका है, आप फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको आज दो चीज़ें बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आप स्किन केयर नहीं करना चाहते मत करें, दो चीज़ें हैं। पहला, आप दिन में क्या लगाएं? आपको सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आपको स्किन लाइटनिंग भी देगी, उसमें विटामिन सी भी होगी और सनस्क्रीन भी है। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों अरोमा मैजिक के विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल की। ये जेल है, बहुत ही लाइट वेट है, इजीली आपकी स्किन पर लग जाएगा, आपको चिपचिपाहट बिल्कुल महसूस नहीं होगी, आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को हील भी करेगा, आपकी जो झाइयाँ हैं उन्हें भी कम करेगा।
बस आपको रेगुलर इसको यूज़ करना पड़ेगा। दिन में इसको यूज़ करिए। अब रात में क्या यूज़ करें? रात में आप यूज़ कर सकते हैं, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो है मामा अर्थ का इल्यूमिनेट विटामिन सी सीरम। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन लोगों ने यूज़ किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है इससे। अब इन दोनों के प्राइस क्या हैं? अरोमा मैजिक का जो विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल है वो 350 में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और कॉस्मेटिक स्टोर पर भी मिल जाता है। और जो मामा अर्थ का इल्यूमिनेट विटामिन सी जो सीरम आता है वो 599 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जो मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम है ये 30 ml की पैकेजिंग में आता है, आपको थोड़ा सा ही लेना है। रात को अपने चेहरे को अच्छे से धोने के बाद में इसको लगा लें, थोड़ा सा जब आपका चेहरा गीला हो आपको तभी लगाना है। आपकी स्किन में ये डीप जा कर के काम करेगा। अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं या दोस्तों याद रखिए सीरम नहीं लगा रहे हैं तो आपकी पिगमेंटेशन नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि जो क्रीम है वो आपकी स्किन के ऊपर ही रहती है। सीरम ही एक ऐसा होता है जो आपकी स्किन के अंदर जाता है, जब तक अंदर से ख़त्म नहीं होगी बाहर से नहीं ख़त्म हो सकती, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी स्किन केयर में फॉलो करना शुरू कर दीजिए अगर आपको पिगमेंटेशन है तो। और अच्छी डाइट लीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है, 2 ग्लास आपको सुबह उठकर के पीना है, उसके बाद आप दिन में देख लीजिए आप कभी भी और आगे पी सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप दिल से चाहते हो ना कि हमें अपनी झाइयाँ ख़त्म करनी है तो करनी ही है, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आप सब्र रख के करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।